अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, सरफराज अहमद ने बड़ा दिल रखने की सबसे बड़ी मिसाल कायम कर दी। ये प्रूफ के साथ मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मिसबाह हक और यूनस खान ने भी इकरार किया है कि सरफराज ने जो कहा, जो बातें हुई, वो सारा मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूँ। वो जिंदा दिल रखने वाले बहुत बड़े इंसान हैं। इस छोटी सी वीडियो में सारा मैं तफसील के साथ आपको बताने वाला हूँ। एक मिनट वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अगर आप सरफराज के फ़ैन हैं तो डबल से ट्रिपल ज़्यादा फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि ये बात अगर आप जान गए तो। फ्रेंड, इस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें, और पाक आर्मी के अगर आप फैन हैं तो पाक आर्मी लाजमी टाइप करें। तो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि सरफराज अहमद को पहले दो टेस्ट मैचेस में भी इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खिलाया गया, रिजवान को खिलाया गया। इसके बाद जब T20 सीरीज़ शुरू हुई तो T20 सीरीज़ में भी सरफराज को खिलाने पर गौर किया गया, लेकिन नहीं खिलाया गया, क्योंकि रिजवान ने अच्छी परफॉर्म की थी तो रिजवान को खिलाया गया। तो इस तरह रिजवान ने पहले दो T20 मैचेस खेले और अच्छे कैचेस भी लिए, सब कुछ बेहतरीन किया उन्होंने, थोड़ी बैटिंग भी अच्छी की। तो इसके बाद जब थर्ड T20 में यूनस खान और मिसबाह हक ने सरफराज अहमद को कहा कि आप तीसरा T20 मैच खेलें, तो सरफराज अहमद ने कहा, इनकार कर दिया साफ कि मैं नहीं खेलूँगा, रिजवान की अच्छी परफॉर्मेंस है, रिजवान को खिलाना चाहिए। और जब यूनस खान और मिसबाह ने पूछा कि आप नाराज़ हैं, तो उन्होंने कहा, यकीन करें कि मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, पाकिस्तान जीते, मैं ये चाहता हूँ, अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो उसे खिलाना चाहिए, जब वो परफॉर्म नहीं करेगा तो मैं खेल लूँगा। तो इस तरह सरफराज ने कहा, लेकिन फिर भी मिसबाह ने और यूनस खान ने उनको मना लिया और तीसरा T20 मैच खिलाया। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सरफराज के बारे में? थैंक्स फॉर वॉचिंग।